अरे बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या हुआ मम्मी जी, कुछ खराबी है क्या? क्यों, खराबी खराबी आ गई? तुम मेरी बहू, मेरी कोई गलती हो गई गलती नहीं मुझसे? तो और क्या है? तुम क्या अपने मायके में अपने शादी से पहले जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, शॉर्ट ड्रेस ये सब नहीं पहनती थी? हाँ पहनती तो थी। फिर यहाँ क्यों नहीं पहन रही? अरे तुम मेरी बहू हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ ना हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पर मैं तो लाइन मम्मी नहीं ले? अरे कोई बात नहीं, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। जी, मैं खाने में क्या बनाऊँ? खाना खाना क्यों बनाना है? अरे बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, मेरे लिए ना एक डबल चीज पिज्जा। हेलो रिया, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। इतनी रात को? इतनी रात पे क्या मतलब है? मूवी देखने का असली मजा तो रात को ही आता है। मैंने टिकट भी बुक कर ली। चलो हम ना रील्स बनाते हैं। मैंने ना बहुत ही अच्छा गाना ढूंढा है, एकदम ट्रेंड में चल रहा है। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाया। हाँ जा जा। अच्छा सुन, तू ना मुझे मम्मी जी मत बुलाया। तू मुझे क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगी? मुझे यार बुलाना। अब भी वो दूसरों के घरों में आग लगाने वाली कह रही, सुन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फोन कर मेरी बहू की बुराई करने? और मेरी बहू चाहे जो भी पहने, तुझे उससे क्या? और तू इतनी शरीफ है, तू आधी रात को वहां क्या कर रही थी? तेरी जैसी औरतों की वजह से हमारे देश में बहू और बेटी का फर्क किया जाता है, समझी? और मेरी बहू चाहे जो भी पहने, उसके लिए मैंने उसे परमिशन दी है। चाहे जींस पहने, टॉप पहने, क्रॉप टॉप पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, मिनी स्कर्ट पहने, कुछ भी पहने, तुझे उससे क्या? आइंदा से आप फोन मत कर दी, वरना मुंह तोड़ देना तेरे घर आके।